सभी को मेरा आत्मवंदन। प्रेक्षक मित्रों को आज हम फिर से भज गोविंदम के ऊपर कुछ नई बात नई विचार करेंगे और आदिशंकराचार्य को आह्वान करके आत्मवंदन करेंगे, ब्रह्मर्षि पत्रिच को भी आह्वान करके आत्मवंदन करेंगे और सभी पिरामिड मास्टर्स को मेरा खूब खूब प्रणाम। पहला थोड़ा प्रार्थना कर लेंगे। ओ सदाशिव समारंभान शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सभी प्रेक्षकों को पीएमसी चैनल में स्वागत है। अब हम विषय में जाएंगे। थोड़ा सा पहला श्लोक हम लोग देख लेंगे जो अब तक हमने किया है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रुण करणे मूढ़जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्भूति मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपातम् वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते नारी स्तन भर नाभिदेशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशं एतन्मां सव साधिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते नलनी दलगत जलमति तरलं तत्वजीवित मतिशय चपलं विद्धि व्याधि मानग्रस्तं लोकं शोक हतं च समस्तं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते यावत् वित्तो पार्जन सक्तः स्थावन निज परिवारो रक्तः पश्या जीवति जर्जर देहे
वार्ता को पीना पृच्छति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत ही सुंदर श्लोकों का शंकराचार्य जी ज्ञान हमको देते हैं, हमें इस दुनिया में कैसा जीना चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम मोहवश कार्य करते हैं उसे समझकर इस मोह से हमें दूर होकर जो सत्य है उसकी पहचान करें, अपने आप को पहचान करें। ये सब इन श्लोकों में जैसे मोह मुद्गरा कहा है, वो मुद्गरा यानी हथौड़ी जो हमें मार मार के वो हमें मोह निद्रा से जगाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो हम भी समझेंगे कि ये क्या है हमारे जीवन में, क्यों हम इस मोह माया में लिपटे हुए रहते हैं, मोहवश अज्ञानतावश हम इस जगत में इस तरह हर एक चीज़ के पीछे खुशी ढूंढते हुए सुख ढूंढते हुए हम भागते रहते हैं। तो ये भागना कब तक है, तो ये भागना क्यों है, ये सब शंकराचार्य जी हमें बताते हैं। पहला शंकराचार्य जी धन के बारे में बहुत सुंदर बताए कि धन लक्ष्मी हमें कहाँ तक उपयोगिता है, हमें कहाँ तक धन कमाना और बचाना चाहिए, और जो बचाया हुआ धन को हम किस तरह उपयोग में लेने चाहिए, ये सब बहुत ही सुंदर तरीके से बताए। और फिर स्त्री की विषय पर स्त्री को किस तरह मान देना चाहिए वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से तुलसीदास जी की एक सुंदर वार्ता से हमें समझाया। फिर हमें नलिनी दलगत जलमति तरलम, जो कमल का फूल होता है वो कैसे पानी में रहकर भी निर्लेप रहता है, इस तरह में जीवन में भी सब कुछ करते हुए हमें लिप्त नहीं होना चाहिए। किससे लिप्त नहीं होना चाहिए, इस संसार से लिप्त नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम कैसे कर सकेंगे हमें विचारना है। तो हर एक जगह शंकराचार्य जी हमें ठोक ठोक कर कहते हैं मंदमति, हमें मंदमति कहते हैं हा? और हमें लगता है कि ये श्लोकों में शंकराचार्य जी नकारात्मक विचार को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मक विचार नहीं है। सोचने पर हमें समझ में आता है कि ये सब वार्ता जो शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं वो सचमुच एक नग्न सत्य है, जो हम सत्य से दूर भागते हैं, क्योंकि हम इतना मोह में वश हो गए कि हमें इस सत्य को अगर जान लेंगे तो हमें डर लगता है इस मोह माया से हम कैसे दूर रह सकते हैं। लेकिन सत्य तो सत्य ही है, कभी ना कभी हमें सत्य को पहचानना है। इसीलिए शंकराचार्य जी फिर से हमको इस श्लोकों में सत्य के उजागर करते हैं। कहते हैं उठ जाग मिसाफिर सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागो, मोह निद्रा से जागो और समझो कि सत्य क्या है। तो ये सत्य क्या है हमें धीरे 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 शंकराचार्य जी कितना सुंदर तरीके से हमें उस सत्य की तरफ ले जा रहे हैं, हमें समझा रहे कि सत्य क्या है। ये जीवन में, ये संसार में क्या असत्य है, ये विवेक करना हमें सिखाते हैं। विवेक करके हमें समझाते हैं कि ये जो आप सत्य समझते हो वो वास्तव में सत्य नहीं है, वो हमें दिखता है, दिखने मात्र को है, वो सत्य नहीं हो सकता। जो हमेशा बदलती रहती है वो कैसे सत्य होगा, ये बात को हम धीरे धीरे समझेंगे।
तो पांचवा श्लोक में बताया, यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक हमारे पास धन होगी तब तक हमारी कुशलता सब लोग पूछेंगे, चिपके रहेंगे। जैसे बमरा होता है ना, बमरा में बमरा क्या करता है, वो फूल में जब तक शहद रहती है तब तक फूल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जब शहद खत्म हो जाएगी फूलों में तब वो दूर चले जाते हैं। इस तरह जब तक हमारे पास धन है तब तक हमारे आसपास संबंधियों, मित्रों, सगा वाला, अपना कुटुंबी जन भी, अपना कुटुंब के लोग भी हमारे साथ निभाते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास धन है। तो ये धन कैसे चीज़ है कि सभी को स्वार्थी बनाते, और स्वार्थी है मनुष्य, मूल में स्वार्थी है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सुंदर कहे हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, सब कुछ हम प्रिय क्यों लगता है, क्योंकि मुझे सुख देता है, इसीलिए ये सब कुछ हमें प्रिय लगता है। तो इस बात को बार बार हमें कहते हैं कि आप समझो कि आप क्यों सुख चाहते हैं, किसी के पास से भी क्यों सुख चाहते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, घर में हम माँ बाप को रखते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं और निर्बल हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, कुछ काम के करने के लायक नहीं रहते, तब हमें उसे हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि वो अभी हमारे काम में आने वाले नहीं हैं। जैसे एक कमरे में एक फर्नीचर का पीस पड़ा हुआ है ना, इस तरह हम उन्हें देखने लगते हैं। इसीलिए शंकराचार्य भी वृद्धों को ये सिखामन देते हैं, ये सिखाते हैं कि आपके पास कुछ धन रखना चाहिए, सब कुछ अपने बच्चों के नाम पे रख दोगे तो उसे फिर आपका क्या काम होगा, सीधा आपको वृद्धाश्रम में भेज देंगे। और वृद्धाश्रम में जाके आप क्या करते हो, चिंता करते रहते हो और राह देखते रहते हैं कि मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएंगे यहाँ से, लेकिन वो बेटा वापस कभी आता नहीं है। माँ बाप का सेहत की कुशलता नहीं पूछते, तो माँ बाप ऐसे ही चिंता में फिर डूब के फिर एक दिन शरीर छोड़ देते हैं। इस तरह के ज्ञान शंकराचार्य जी हमें देते हैं कि कैसे घर वाले हमें निरादर करते हैं, इसके बारे में इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताए। फिर बाद में हम जाते हैं सिक्स्थ श्लोका, यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलं गेहे गतवती वायो देहापाये भार्याभिप्यति तस्मिन् काये। देखिए ब्रजगोविंद ने कितना सुंदर ये श्लोक बताए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो अभी कुछ काम का नहीं रहता है, मृत्यु हो जाएगी बाद में उसका क्या उपयोगिता, वो तो पंचमहाभूत में मिल गया है, उसका राख जो पड़ा है बस और कुछ नहीं है, उसको हम जला देते हैं, वो राख को हरिद्वार जाके हम पानी में बहा देते हैं, उसके साथ हमारा इतना ही है, बाद में उसे कोई भी याद नहीं करता। जब शरीर मृत शरीर घर में पड़ी रहती है तो पत्नी भी कहती है, पत्नी जो इतना बरस अपना पति की सेवा की, पति के साथ जीवन जिया, पति का सुख दुख सब मिलके सहन किए, वो पत्नी भी जब तक वो मृतदेह पड़ा है तो कहती है इसे जल्दी ले जाओ, इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। तो मृत शरीर से डर जाते हैं, जब मृत हो गई है जब तक उसमें प्राण है तब तक उसका कुशलता सब लोग पूछेंगे, प्राणवायु है वो, प्राणवायु छूटते ही हमें उसकी निरुपयोगिता समझ में आती है और पत्नी और बच्चे लोग भी उसे बाहर निकालने की चेष्टा करते रहते हैं। और फिर हम स्मशान में जाते हैं
स्मशान वैराग बोलते हैं, वैराग भी आ जाता है वहाँ पे जाके। कहते हैं क्या जिंदगी है, यही है क्या जिंदगी। देखिए वो मृत शरीर जल रहा है, हम भी एक दिन ऐसे ही जाएंगे क्या, ऐसा जाएंगे क्या इस डर को, और सोचते हैं कि नहीं वो तो चला गया, लेकिन हम लोग शाश्वत फिर घर आते हैं ना, शाश्वत इधर ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हर एक को ये समझना चाहिए कि सभी लोगों का गति यही होती है, हम भी एक दिन ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तब क्यों ऐसा विचार करना चाहिए, क्यों इस तरह की स्मशान वैराग बोलते हैं, थोड़े देर के लिए रहती है, क्योंकि हम वैराग को समझा नहीं है, विरागता को समझा नहीं है कि क्या होती है वैराग। वैराग यही होती है कि हमें सत्य क्या है ये जानना है। तो इस तरह की बातें, ये नकारात्मक बात नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि शंकराचार्य जी ऐसे नकारात्मक विचार क्यों कहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए, लेकिन यही नग्न सत्य है। सत्य को उजागर कर रहे हैं शंकराचार्य जी, और सत्य को समझना हमारी कर्तव्य है। श्री कृष्ण भगवान ने सुंदर एक श्लोक गीता में बताए हैं, वो हम जरा देखेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये श्लोक जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अर्जुन डर जाता है ना जब युद्ध भूमि में अर्जुन जाते हैं और उनके सभी सगा संबंधियों खड़े होकर युद्ध करने के लिए, वो एक बाजू कौरव की सेना, एक बाजू पांडवों की सेना खड़ी है, और कृष्ण उनके सारथी, और कृष्ण वो सारथी है तो बीच में ले जाता है रथ को और बताते हैं देखो ये सब कौरव खड़े हैं तो तुम्हें इनको सबको मारना है। तो अर्जुन एकदम से डर जाता है, नीचे बैठ जाता है, तलवार भी अपना भाण भी नीचे गिर जाती है, शरीर कांपने लगता है। तो कृष्ण को कहते हैं मैं कैसे मारूं, ये सब मेरे सगा वाले हैं, इनको कैसे मैं मारूं, मैं नहीं मार सकता, मैं मुझे जो भी कुछ और काम दे दो मैं कर लूँगा, आप कहोगे मुझे राज्य में तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी मंजूर है, और मुझे ये कहोगे तुम इस जगह से चले जाओ और मैं चला ही जाऊँगा, मुझे वही अच्छा लगता है, मैं संन्यास ले लूँगा, लेकिन मैं इनको नहीं मारूँगा। उसी प्रश्न से, उसी विषाद योग से ये पूरा गीता हमें मिली है। कृष्ण भगवान ये पूरा गीता हमें इसीलिए सुनाया क्योंकि ये सत्य वो अर्जुन नहीं है जो बाहर बैठा है, लेकिन वो अर्जुन भीतर ही है हमारे। हमारे भी हमेशा संघर्ष चलता रहता है भीतर कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूं ही गवाना नहीं है, हर क्षण हम चौकन्ना रहना चाहिए कि हम हमारी कर्म जो है सुधारना है, हम हमारा कर्म किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है उसे हम देखते समझ के हमारे कर्मों में सुधार भी लाना है। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। गीता का शिष्या में कहते हैं आपका उद्धार आप ही करो, आप ही को करना है, कोई गुरु आके के, कोई भगवान आके, कोई और आके आपका जीवन सुधारने वाला नहीं है,
कि आपके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे दें कि तू आपको ज्ञान मिलने वाला नहीं है। आप खुद अपने मन को समझा कर इस मार्ग पे लाना है, आपको साधना करना है। अपो दीपो भवा, बुद्ध जी, बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध भगवान, अपो दीपो भवा, अपने आप की ज्योति है, अंतर ज्योति है, उसे हमें जलाना है और दूसरों को भी मार्गदर्शन देना है। तो इस तरह की ये मन जो है ना, बहुत चंचल है, वो हमेशा उसी तरफ भागती है, बाहर के चीज़ों में भागती है। क्यों? वो बनी है ऐसे कि वो बाहर की चीज़ों में भागती है। तो उस मन को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। वायोरिव दुष्करम, कृष्ण क्या कहते हैं, जैसे वायु क्या पकड़ सकते हो क्या? नहीं। ऐसे ही ये मन को भी हम ये चंचलता से दूर करना है, तो हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है। और पत्री जी हमें बार बार जो कहते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो, तो उस ध्यान में हमारे मन को लगाना है। इसीलिए सोचिए, विचार करिए, विचार मार्ग है। शंकराचार्य जी हमें क्या दे रहे हैं, विचार मार्ग, विचार करो तुम किस किस चीज़ों में फंसे हो, जो शाश्वत नहीं है, उस चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश, प्रयत्न क्यों करते हो। इसीलिए शंकराचार्य जी के बात बहुत ही गंभीर है, और एक गंभीर विचारधारा को हमें सोचना चाहिए और इस तरह के जीवन जीना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो ये जो संबंधों में हम हमेशा जुटे रहते हैं, वो संबंध कैसा है, स्वार्थ है। निस्वार्थ प्रेम कहाँ मिलेगा, तो एक ही जगह मिलेगा। तो वो क्या है, कहाँ मिलेगा, हमें सोचना चाहिए। और उस तरफ हमारे कृष्ण बताते हैं, शंकराचार्य जी बताते हैं कि हमें कहाँ पे निस्वार्थ प्रेम मिलेगा, निस्वार्थता कहाँ पे है। सिर्फ वो परमेश्वर है, सिर्फ कुछ भी कह लो आप उनको, कोई एनर्जी कह लो, कोई आत्मा कह लो, कोई भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, वो निस्वार्थ प्रेम हमें करता है, उसमें कोई स्वार्थ। और उनका प्रेम तो हमेशा बरसता रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छतरी लेके घूमते हैं। ये छतरी लोगे तो वो उनका बरसा हुआ वो प्रेम अनुराग हमें नहीं मिलती है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए कि ईश्वर से, कृष्ण से एक संबंध बांधना है। संबंध बांधोगे तो आपको आपकी योगक्षेम वो रखेगा। लेकिन शर्त क्या है, श्रद्धा विश्वास से सिर्फ उन्हीं को, क्योंकि वहीं पे आपको निस्वार्थ प्रेम मिलेगी, बाकी सब कुछ स्वार्थ है। ये सुंदर बात से हम फिर अगले हफ्ते आगे बढ़ेंगे, नए विचार, नए सोच को लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। हमें संबंध कैसा बांधना है, इस बात को लेके हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक सभी पिरामिड मास्टर्स को मेरा खूब खूब प्रणाम, और देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।